इसी में बेटा आगे करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जब हमने हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे लिया गया डिस्चार्ज ट्यूब में और लाइट जो उसमें से हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को लिया एक डिस्चार्ज ट्यूब में और उसमें से करंट को पास किया। जब हमने करंट को पास किया तो उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलेंगी, जो लाइट अमिट होगी उसको स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा गया। तो ये क्योंकि इसमें से लाइट अमिट हो रही है इसलिए इसको क्या कहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इस एमिटेड लाइट को हमने स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा तो डिफरेंट लाइंस मिली, डार्क लाइंस बहुत सारी मिली, फिर ब्राइट लाइट मिली, फिर डार्क मिली, यानी कि डिफरेंट सीरीज मिली। ये लाइमन सीरीज है, ये बाल्मर सीरीज है, ये पेस्टन है, ये ब्रैकेट है और ये क्या है, पीफंड सीरीज है। बहुत सारी लाइनें एक साथ मिलना लाइमन, फिर थोड़ा सा गैप के बाद फिर मिली बाल्मर, पेस्टन, ब्रैकेट और पीफंड, जिसमें से लाइमन सीरीज तो यूवी रेंज में आती है, हम इसे देख पाते हैं विजिबल रेंज में, बाल्मर सीरीज है, बाकी ये तीनों आईआर रेंज में आती है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है आपको, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट इन विजिबल रेंज, तो आप बताएंगे बाल्मर। विच इज इन यूवी रेंज, तो आप बताएंगे लाइमन। डिफरेंट इन लाइंस की डिफरेंट वेवलेंथ थी, ठीक है, हर एक लाइन की अपनी एक अलग वेवलेंथ थी। तो बहुत सारी इसमें लाइनें मिल रही हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, लेकिन रेडबर्ग एक साइंटिस्ट था, इन द ईयर 1890 में बेटा उसने एक थ्योरेटिकल इक्वेशन दी टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ दीज लाइंस। और थ्योरेटिकल इक्वेशन ये है बेटा, देखो लिखा हुआ भी है, बहुत सारी लाइनें प्रेजेंट थी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में, रेडबर्ग ने एक सिंपल थ्योरेटिकल इक्वेशन दी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ दीज लाइंस, और वो थ्योरेटिकल इक्वेशन ये थी, न्यू बार इज इक्वल टू आर, आर रेडबर्ग कांस्टेंट है, 1/N1 का स्क्वायर माइनस में 1/N2 का स्क्वायर। रेडबर्ग कांस्टेंट की जो यूनिट है वो ये है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि कांस्टेंट है तो याद करनी पड़ेगी आपको वैल्यू। N1 क्या है, लाइमन सीरीज, N2 होता है आपका, मतलब N1 है लाइमन सीरीज के लिए, N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 के अलावा 2, 3, 4। बाल्मर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 2 होगी और N2 की वैल्यू 2 के अलावा कुछ भी होगी 3, 4, 5, 6 कुछ भी। पाश्चन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3 होगी और N2 की वैल्यू कितनी होगी 4, 5, 6 कुछ भी। ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू 4 और N2 की वैल्यू 4 के अलावा कोई भी। पीफंड के लिए N1 की वैल्यू 5 और N2 की वैल्यू क्या होगी 6, 7, 8। और ये फार्मूला बना हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, हाइड्रोजन के लिए तो फार्मूला आपका यही था, ठीक है, और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए फार्मूला ये हो जाए, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल वो होंगे जिनमें जितने हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हों। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई कहे हीलियम प्लस, बेटा हीलियम प्लस कब बनता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बन जाएगा, हीलियम प्लस। तो जेड क्या है उसका, ईलियम के लिए निकालना पड़ जाए तो 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, जेड क्या हो गया इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि जेड की वैल्यू यहाँ पर ईलियम की कितनी पुट करोगे 2। समझ में आ गई बात बेटा। अब बारी आ जाती है लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन का मतलब होता है जब N2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए स्पेक्ट्रल सीरीज में, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, लिमिटिंग लाइन। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे, कोई डाउट है तो पूछेंगे। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम N5 to N2। कह रहे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पूछिए, तो पहले आप निकालें वेव नंबर, न्यू बार निकालेंगे, N1 की वैल्यू आपकी 2 है और N2 की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, और सॉल्व करेंगे। देखिए N1 की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, N2 की वैल्यू कितनी दी है 5, R की वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, न्यू बार निकाला आपने, मिल गया, ठीक है, ये वेव नंबर आ गया, सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट होगी।
वेव नंबर से वेव लेंथ निकाल ली आपने, लैम्डा इज इक्वल टू वन ओवर में वेव नंबर आपकी वेव लेंथ आ गई। वेव लेंथ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो यूजिंग द फार्मूला न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। ठीक है, जो भी ये वैल्यू आएगी, ठीक है, किस रेंज में आएगी, वो आएगी विजिबल रेंज में। इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये तीन न्यूमेरिकल हैं बेटा, इनके आंसर्स आपके मैं साथ दे रही हूँ, आप इनको खुद करेंगे सॉल्व और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछेंगे। ध्यान से देख लीजिए इन न्यूमेरिकल्स को, तीन न्यूमेरिकल हैं, तीनों न्यूमेरिकल आपको खुद करने हैं। कोई डाउट होती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच। इतना आप लोगों को आज के लिए करना है, ये आपका होमवर्क है। 5-6 न्यूमेरिकल मैंने आपको पहले दिए थे, 3 न्यूमेरिकल ये हैं, सभी को सॉल्व करेंगे फेयर नोटबुक में और जो आपको टॉपिक पढ़ाए हैं उनके नोट्स बनाएंगे और जो डिफरेंसेस हैं वो याद करेंगे।